तो बुगंदाना लगा सकते हो? बहुत मालूम होती है। पहाड़ी किस तरफ आ गए? दूसरी तरफ है। तुम कौन हो? समीरानंद। समीरानंद, नीचे उतरो। ये गैज गर्त कर देनी, जरा खून के खत्म कर देनी, ताकत हम में थी। लेकिन बदकिस्मती, हमारी बदकिस्मती, महेंद्र चाहे जितनी भी कोशिश करे, शाम से पहले तो भी लेकर यहां नहीं पहुंच सकता, किसी हालत में भी नहीं। क्या किया जाए अब? क्या किया जाए? क्या दुश्मन को बगैर किसी रोक तो अपने सीने को चलते हुए गुजर जाने दे? मठ को मिट्टी में मिलाकर संतान सेना को चोर लुटे रूपी दास्तान बनाकर दुश्मन इतिहास लिखेगा, क्या हम ऐसा होने देंगे? बबड़ियत का तूफान जाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ दें, क्या हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे? मैं ये जानता था कि तुम संतान सेना के चुने हुए सिपाही ऐसा अपने दिलों में बुलंद हिम्मत और जान हथेली पर रखकर इन फिरंगी भेड़ियों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाओगे और इन्हीं की तोपें इनसे छीन कर इन्हीं की तरफ घुमा दोगे। तो जाओ मां के रत्न सपूतो, जाओ भारतवर्ष की स्वाधीनता के पहले युद्ध का इतिहास अपने खून से लिख दो, ईंट और पत्थर की जगह अपने शरीर सजाकर आजादी की बुनियाद रख दो। एक दिन जब इस बुनियाद पर आजादी की आलीशान और जगमगाती हुई इमारत खड़ी होगी तो हर भारतवासी यही याद करेगा कि इस आजादी की बुनियाद रखी थी आनंद मठ ने। वंदे मातरम्। आगे बढ़ो।
Come on.